हेलो एवरीवन, टेक जेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सब्जेक्ट है बीईजी 1135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। ये दिसंबर 2022 से क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम आपको आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इग्नू में बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम का कैसा पैटर्न रहता है, एग्जाम में कितना लेंथी आपको लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम मिलता है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, नॉट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्वेश्चन के अंदर ही इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इसमें ये पैसेज दिए हुए हैं और हर बार यही इसी टाइप के पैसेज आते हैं, लेकिन सेम पैसेज कभी भी नहीं आते हैं। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। यहाँ पे देखिए पैसेज है 1 2 3 ऐसे, इसमें बनाए गए हैं कॉलम, और यहाँ पे ये देखिए आप पैसेज पढ़ सकते हैं, 5 तक हैं इसमें, और इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ए आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन यू कीप पीपल वेटिंग व्हाट इज द सबटल मैसेज दैट यू आर गिविंग देम। ये दो दो नंबर का क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट व्हाई इज कीपिंग समवन वेटिंग आल्सो स्ट्रेसफुल फॉर द पर्सन हु मेक्स देम वेट। तो ये क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। ये सेम टाइप के पैटर्न बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आप इसको इजिली आंसर कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल सवाल मेरे को लग नहीं रहा। तो इसमें बी पार्ट है, फाइंड वर्ड्स phrases फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो जो ऊपर पैसेज था उसमें से इनके सेम वर्ड निकालने हैं, और आपकी सहायता के लिए यहाँ पे पैरा भी मैंशन कर दिया गया है, कौन से पैरा में दिया है। तो अंडरलाइन पैरा 1 से आपको छाटना है, और 2 नंबर क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पैरा 1 से, 3 नंबर एंग्री एंड ऑफेंड ये पैरा 2 से। तो ऐसे इसमें से आपको इनके सेम मीनिंग यानी सिनोनिमस आपको छांटने हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ में से पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर सेम मीनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सी है, मेक सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज। तो ये यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से सेंटेंस आपको बनाने हैं, वैल्यूड कमोडिटी, हाईली स्ट्रेसफुल, एक्सेप्शन टू द रूल, कंपाउंड द प्रॉब्लम, अंडर एस्टिमेट। तो ये भी आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद है डी, देयर मस्ट बी अ टाइम व्हेन यू वर केप्ट वेटिंग बाय समवन, व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हाइल यू वेटेड, हाउ डिड यू फील टुवर्ड द पर्सन हु केप्ट यू वेटिंग, राइट इन अबाउट 150 एंड 200 वर्ड्स ईच। ये 10 नंबर का प्रश्न है, और 200 शब्दों में आपको बोला गया है, तो आप सिंगल साइडेड 2 पेज से लेकर 2.5 पेज तक भरें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और इसमें आपको एक अपने जो स्टडी मटेरियल में भी इस टाइप का मटेरियल मिल जाएगा, उसमें से आप देख के पढ़ें तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 to 350 वर्ड्स ईच। इसमें ए है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल स्मॉल टैंक, ये पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के 2 करने हैं इनमें से कोई। बी है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द क्वालिटीज ऑफ योर लीडर इन टूडे सिनेरियो, गिव एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मटेरियल चेंज हो जाएगा। व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, गिव सम टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट टू योर क्लास और क्लिक्स। डी है, डिस्कस ए फिल्म दैट यू हैव रिसेंटली सीन, डिस्कस बोथ पॉजिटिव क्वालिटीज एंड नेगेटिव क्वालिटीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसमें से कोई 2 आपको करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन बननी है, प्रीपोजिशन बहुत ही आसान है। इसमें 1 है, आई हैव गिवन माई सेल्फ द एंड ऑफ नवंबर टू फिनिश द प्रोजेक्ट। तो इसमें बाई आएगा, बी वाई बाई द एंड। तो इस टाइप से बहुत ही ईजी है ये, आप इनको आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे आपको थोड़ी बहुत, इसमें कोई समस्या नहीं है। बी पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको कंप्लीट करना है, इफ ब्लैंक ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम इजीली। तो इसमें यही है कि अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम अच्छे से पास कर जाएंगे। तो
इसमें आएगा इफ यू हैड स्टडी यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम इजीली। तो इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें भी पांच दिए हुए हैं। इसके बाद है सी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे भी ये कुछ पैराग्राफ टाइप दिया है, इसमें ब्लैंक है, ब्लैंक के आगे ही एक वर्ब दी है, उसमें से आपको करेक्ट फॉर्म भरना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर है ए पार्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन बिलो। यहाँ पे टर्न अप, ब्लू अप, पिक मी अप, लुक एट, ये सब चीजें आपको इन ब्लैंक्स में भरते हुए इनको करना है। आप इनको एक बार एक्सपीरियंस जो ग्रामर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन है इसमें ये प्रैक्टिस से आएंगे और इनके जो रूल्स रूल रेगुलेशन है उनको आप सीख लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। मेक एनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई एडिंग द प्रीफिक्स अप्रोप्रिएटली। तो फॉर्चून, कैपेबल, एजुकेटेड, इसका जैसे एजुकेटेड का अनएजुकेटेड, कैपेबल का आई थिंक नॉट कैपेबल होता है और फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट। तो इस टाइप से आपको बनाना है इनका, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर पाँच, यू आर एडवाइजिंग योर पेरेंट्स टू यूज सर्टेन नेटवर्किंग साइट्स ऑन देयर फोन्स और कंप्यूटर्स, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम इन ए कन्वर्सेशन दैट यू हैव विद योर पेरेंट्स, यू मे यूज अबाउट 10 to 12 टर्म्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको सिंगल साइडेड ढाई पेज तक भरें और 10 से 12 टर्न में आप अपने पेरेंट्स से ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक कन्वर्सेशन का क्वेश्चन आएगा और इसमें एक आपको जो लेंथी क्वेश्चन है इसमें आपको एक चॉइस जरूर मिल जाती है। वी आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलेज काउंसिल, राइट ए स्पीच वेयर यू टेल योर पीयर्स ऑफ द विजन यू हैव इन माइंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कॉलेज। तो इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन है और यहाँ पे ये 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हो जाता है कम्प्लीट। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट्स की वीडियो सीरीज आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाएं और अपने अपने असाइनमेंट्स वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं। थैंक यू।